हेलो ऑल एंड वेलकम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्लाइंडिंग। सो हम किसी भी क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल स्टडी में ब्लाइंडिंग क्यों करते हैं? बेसिकली हम जो बायस हैं, मतलब कि बायस हमारे स्टडी में ना आए, इस वजह से हम ब्लाइंडिंग करते हैं। सो जो ब्लाइंडिंग है वो 3 टाइप्स की होती है, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग और ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सो सिंगल ब्लाइंडिंग के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट है जो हमारा वो ब्लाइंड रहता है, और डबल ब्लाइंडिंग के अंदर सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर ब्लाइंड रहते हैं, और ट्रिपल ब्लाइंडिंग के अंदर सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर एंड एनालाइजर, ये तीनों हमारे ब्लाइंड रहते हैं। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंगल ब्लाइंडिंग से। सो सिंगल ब्लाइंडिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट को नहीं पता होता कि उसे कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो इस ब्लाइंडिंग का एडवांटेज क्या रहता है, यहाँ से हम सब्जेक्टिव बायस है जो हमारी स्टडी में वो रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो आप कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो पैरासीटामोल टैबलेट का वर्सेस प्लेसिबो टैबलेट का। सो मान लो कोई सब्जेक्ट है, आप उसे इनरोल कर रहे हो, आपने बताया कि आपको एक पैरासीटामोल आम ग्रुप है और एक प्लेसिबो आम ग्रुप है। सो सपोज सब्जेक्ट को पता है कि पैरासीटामोल ही ड्रग इफेक्टिव होती है। सो सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट है वो चाहेगा कि मैं पैरासीटामोल वाली आम में ही जाऊं, वेरस वो प्लेसिबो वाली आम में नहीं जाएगा। इस टाइप ऑफ ब्लाइंडिंग से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, जो हमारे सब्जेक्टिव बायस है हम उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे आती है ब्लाइंडिंग, वो आती है डबल ब्लाइंडिंग। सो डबल ब्लाइंडिंग में हम सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर मतलब दोनों को नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है, मतलब कि उन्हें टेस्ट मिल रहा है या रेफरेंस मिल रहा है या ड्रग ए मिल रहा है या ड्रग बी मिल रहा है, तो उन्हें नहीं पता। सो यहाँ से हम क्या बायस को रिमूव कर सकते हैं, सब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटिव बायस को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे सपोज पैरासीटामोल और प्लेसिबो का एग्जाम्पल है। सो सेम यहाँ पर हम पैरासीटामोल और प्लेसिबो का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर का कोई भी नॉन पर्सन आया, तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेटर चाहेगा कि उसका जो नॉन पर्सन है उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, उसे पैरासीटामोल वाली आम की तरफ ग्रुप में इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पर क्या चांसेस रहते हैं, यहाँ पर एक बायस के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से अगर जो हम दोनों को ही ब्लाइंड कर देंगे, सब्जेक्ट को भी इन्वेस्टिगेटर को भी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेटिव बायस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो थर्ड टाइप आती है इसमें, वो आती है ट्रिपल ब्लाइंडिंग। इसके अंदर सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर और एनालाइजर तीनों के तीनों को नहीं पता होता कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो यहाँ पर जो एडवांटेज रहता है, यहाँ से हम सब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेटिव और एनालाइजर बायस को हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब एनालाइजर, सपोज कोई भी एनालाइजर जो एनालाइज कर रहा है डेटा को, सपोज वो एनालाइज कर रहा है, उसे पता है कि ये ट्रीटमेंट आम है और ये वाला प्लेसिबो आम है, तो उसे पता है कि रिजल्ट किसके अच्छे आएंगे, उसे पता है कि जिसको ट्रीटमेंट दिया उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनालाइजर्स को भी ब्लाइंड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी स्टडी में कोई भी बायसनेस ना आए। सो ये था एक शॉर्ट वीडियो ब्लाइंडिंग पे। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।